नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.5 का 10वां प्रश्न हम कर रहे हैं। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि यह भूमि है और यह एक ऊर्ध्वाधर यानी सीधा खड़ा हुआ एक खंभा है। ठीक है बच्चों, इसकी ऊंचाई है 18 मीटर, तो ये हमने यहां लिख दिया 18 मीटर ऊंचाई। और क्योंकि यह भूमि से सीधा खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, इसका मतलब यह जो कोण होगा इसका धरती के साथ, भूमि के साथ, वह होगा 90 डिग्री। और खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार बंधी है जिसका सिरा, दूसरा सिरा, एक खूंटे से बंधकर जमीन पर थोड़ी दूर पर बंधा हुआ है। तार की लंबाई है 24 मीटर जब ये सीधी तनी हुई है। ठीक है, तो हमें ये दूरी निकालनी है जितनी दूरी पर यह खूंटा खंभे के आधार से दूरी पर बंधा है, वह दूरी हमें निकालनी है। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी कोण बी जो है वह 90 डिग्री है क्योंकि यह ऊर्ध्वाधर है खंभा। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, और हाइपोटेन्यूज है यहां पर एसी, तो यानी एसी का होल स्क्वायर बराबर होगा बेस, बेस है बीसी का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है ये एबी, एबी का होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए एसी की लंबाई कितनी दी हुई है, 24 सेंटीमीटर, तो हम यहां लिख देंगे 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर है बीसी, बीसी हमें नहीं पता, तो बीसी का होल स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, एबी हमें दिया हुआ है 18 मीटर का होल स्क्वायर, सॉरी ये भी बच्चों मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। आइए अब इनका वर्ग देखते हैं। 24 का वर्ग होता है बच्चों 576, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर बराबर बीसी का होल स्क्वायर यानी बीसी का होल स्क्वायर प्लस 18 का जो वर्ग होता है वह होता है 324 मीटर स्क्वायर। अब अगले स्टेप में देखिए, 576 यहीं पर रहेगा, 324 बीसी के साथ प्लस हो रहा है, जब यह बराबर से उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, बराबर हमारे पास आ जाएगा बीसी स्क्वायर, सॉरी ये 576 है बच्चों 7 6। अब आइए इसे हम आगे हल करके देखते हैं। अब हम बच्चों 576 में से 324 को घटा के देखते हैं, 6 में से 4 निकाले 2, 7 में से 2 निकाले 5 और 5 में से 3 निकाले 2, तो ये आ गया बीसी का होल स्क्वायर। अब बच्चों इससे बीसी किसके बराबर होगा, 252 मीटर स्क्वायर के रूट के बराबर। देखिए बीसी का स्क्वायर इसके बराबर है, तो बीसी किसके बराबर होगा, इस पूरी रकम के रूट के बराबर। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंडन देखते हैं। 252 जो है ना बच्चों, वह होता है 2 × 2 × 3 × 3 × 7, यह 252 का अभाज्य गुणनखंडन है। आप इसको करके भी देख सकते हैं स्वयं, यह बीसी के बराबर आया। आइए अब आगे देखते हैं, इनमें से एक दो रूट के बाहर चला जाएगा, इनमें से एक दो, जो दो में से एक तीन रूट के बाहर चला जाएगा, अंदर बच जाएगा रूट 7, मीटर स्क्वायर का रूट होता है मीटर बराबर बीसी, तो 2 × 3 कितना हो गया, 6 रूट 7 मीटर बराबर बीसी, यह बीसी की लंबाई आ गई। और बीसी क्या थी, आधार से दूरी, तो बच्चों हम लिखेंगे खूंटे की आधार से दूरी बराबर 6 रूट 7 मीटर, यह हमारा उत्तर है।
ठीक है बच्चों, ये हमारा उत्तर है। हमें इस खूंटे को कितनी दूर पर गाड़ा जाए, तो खूंटे की इस खंबे के आधार से दूरी बीसी हमने निकाल दी है 6.7 मीटर। तो बच्चों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि ना समझ आया हो तो आप थोड़ा पीछे जाकर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर अन्य प्रश्नों के उत्तर देख भी सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।